हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आफ्टर आवर फर्स्ट टर्म वी लर्न इन सेमेस्टर वन सम डिफरेंट चैप्टर इन क्लास नाइन। हमारे जो चैप्टर के नंबर्स है वो हमने लाइन में कंटिन्यूस नहीं किए हैं एज पर गवर्नमेंट सिलेबस। ओके, इस जो टर्म है हमें एट टू नाइन चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर से, चैप्टर नंबर 15, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, फूड रिसोर्सेज में कौन से इम्प्रूवमेंट होते रहे हैं और कौन से हमें करने हैं, ये सभी हमें लर्न करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमें भी पता है, जो भी हम सभी है लिविंग है, ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमें फूड की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फूड से हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सभी हमें हमारी बॉडी को मिलता है। ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। तो हस्बेंडरी मीन्स क्या? पशुपालन। ठीक है, अब हमें ये जो मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सभी हमें मिलते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो है वो डेवलपमेंट होता है, हमारे बॉडी का ग्रो होता है। ठीक है, ग्रोथ हमें दिखाई देता है, हमारी हेल्थ अच्छी से रहती है। तो ये जो प्लांट्स है और एनिमल्स है, तो इन दोनों के लिए भी ये एक मेजर सोर्स है। ठीक है, तो हमें जो फूड है वो कहाँ से मिलते हैं? या तो एग्रीकल्चर से मिलते हैं या फिर जो एनिमल हस्बेंडरी है उनसे मिलते हैं। तो हमें उसकी जो डिटेल्स है वो हमें रीड करनी है। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बींग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी। वाई इज दिस नेसेसरी? वाई वी कैन नॉट मेक डू विथ द करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन? कि हम क्या कर रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर में यह रीड करते हैं कि हमें इसको कैसे इंक्रीज करना है, किसके कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, किस में? तो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंडरी है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, क्योंकि अगर ये सब चलता रहेगा तभी तो हमें फूड है वो मिलेगा। ठीक है, इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री, आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल। ठीक है, यानी 100 करोड़, 1 बिलियन, तो उसमें दिन प्रतिदिन ग्रो होता जा रहा है। As food for this growing population, we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. As a result, do not have any major scope for increasing area land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन जो cultivated process है वो काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, अब उसकी जो efficiency है वो हमें increase, उसका production दिन प्रतिदिन increase ही करना होगा, क्योंकि अगर ये increase नहीं होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड कहाँ से मिलेगा? हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बढ़ती जा रही है, तो सभी को ये फूड कैसे प्रोवाइड होगा? ठीक है, हम तो क्या करते हैं, इन वन डे वी ईट 3 टाइम्स रेगुलरली,
तो 3 times अगर हम पूरी तरह फूड हम लेते हैं बॉडी में, ठीक है, सभी है वो सभी 3 times है वो फूड अच्छे से लेते हैं, तो लेकिन फूड हमें चाहिए तो सही ना, ठीक है, तो हमें कहाँ से मिलेगा ये फूड? तो इसलिए हमें कल्टीवेटेड प्रोसेस को आगे ले जाना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार। वी हैव हैड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके, हमें पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमें जो करना है वो क्या करना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या होगा, जो हमारा फूड ग्रेन है उसमें प्रोडक्शन, फूड जो प्रोडक्शन है उसमें हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। वी हैव ऑल्सो एट द वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास तो वो भी है, क्योंकि मिल्क और वो सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन से, ठीक है, तो उसमें भी हमें जो उसका मोर इफिशेंट करना है, ताकि हमें अच्छे से मिल्क है वो मिल सके, क्योंकि मिल्क भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउएवर दिस रिवॉल्यूशंस मीन दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली, एज अ रिजल्ट देर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances and maintaining. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो natural resources है वो damage होते जा रहे हैं, ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ ऐसा disturbance हो रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, कोई products है वो pure नहीं मिलती है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करना चाहिए विदाउट डिग्रेडिंग अवर एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है और उसको बैलेंस भी हमें करते रहना है। इस तरह से हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में हमें काफ़ी ग्रोथ लाना है, ठीक है। ऑल्सो सिंपली Increasing grain production for storage in waterhouse cannot solve the problem of malnutrition and hunger. लेकिन क्या है कि अगर हम grain production में increase करें फिर हम उसको storage करें तो उससे कुछ solution नहीं निकलता है, ठीक है, सबको अपने लिए जो भी grains है वो सभी लेने के लिए उसको रुपीस यानी मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तभी तो वो फूड परचेस कर सकेंगे, ठीक है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। द मेजोरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवहुड। इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू combat the problem of hunger. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from farms. For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping, integrated farming practices, for example livestock, poultry, fishers and beekeeping. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो मनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हमें उसके प्रोडक्शन पे उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है, और हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल नहीं होगा, ठीक है, हमें ऐसे बहुत सारे मान लीजिए यहाँ पे हमारे क्या है कि फार्मिंग है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर बी कीपिंग है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, तो वो सभी को हमें अपने लिए इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये सभी है वो बढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए हम उसको प्रोडक्शन में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं लाए तो हम फूड कहाँ से लाएंगे, तो हमें एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करे बिना, ठीक है, हमें टेम्परेचर को कंट्रोल में करके कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए,
इस तरह से इन सभी के प्रोडक्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। अब क्रॉप यील्ड्स में हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। सीरियल्स सच एज अ वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड एज अस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी में से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, वो हमें पता है, ठीक है। अब फिर वो एनर्जी के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है पल्स, लाइक क्या है, चना है, पी यानी मटर है, ब्लैक ग्रेन है यानी औरत की जो दाल होती है वो, ठीक है। फिर ग्रीन ग्राम है, पीजियन है, पी है, लेंटिल प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। तो ये सभी है वो हमें क्या करते हैं, प्रोटीन जो सभी के सभी पल्सिस होते हैं, ठीक है, वो हमें क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं। और यहाँ पे है जो सीरियल्स है वो हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो हमें तीन चार एग्जांपल हमें याद रखना है। और फिर अभी और क्या रह गए हैं, तो हाँ आप सही है, अभी क्या है, वेजिटेबल्स है, स्पीसीज है, फ्रूट्स है। तो ये सभी हमें क्या देते हैं, विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट्स में प्रोटीन भी हमें देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो तीनों है वो वेजिटेबल्स में से हमें मिल जाते हैं। इन एडिशन टू दिस फूड क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट्स, सूडान ग्रास आर रेस्ड एज फूड फॉर द लाइव स्टॉक। तो ये सभी क्या है कि हम जो कोई भी पशु पालन, ठीक है, जो कोई भी एनिमल्स है, तो उसका जो ग्रास है, उस ग्रास का जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसमें हमें फूड के लिए वहाँ पे उसका लेवल है वो इंक्रीज तक ले जाना है, तो हमें ये सभी है वो यूज़ हमें अच्छे से यूज़ करने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए हमें क्या क्या होना चाहिए कि जो कोई भी क्रॉप्स है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन तो सबकी सेम नहीं होगी, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर ले लीजिए, फोटो पीरियड्स ले लीजिए, ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ये सभी क्या है कि सनलाइट में ही होते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। हमें पता ही है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जब सनलाइट है वो क्रॉप्स के ऊपर होती है, ठीक है, और फिर क्रॉप से अपना वर्क करते हैं और वहाँ से फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स कॉल्ड द खरीफ सीजन्स। तो ये हम आगे स्टैंडर्ड में हमने देख लिया था, ठीक है, कि खरीफ क्रॉप्स है वो किसे कहते हैं कि जो बारिश की सीजन है उसमें जो हम क्रॉप्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। और उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, जून से अक्टूबर, ठीक है। सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। तो यहाँ पे विंटर सीजन है, ठीक है, विंटर सीजन में जो हम क्रॉप्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। उसका टाइम पीरियड क्या होता है, नवंबर टू अप्रैल होता है, ठीक है। लाइक पेडी है, सोयाबीन है, पिजियन है, पी है, मेज है, कॉटन है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, वो सभी क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। वेरियस वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसिड आर रबी क्रॉप्स। तो ये सभी क्या है, रबी क्रॉप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे खरीफ और रबी क्रॉप्स है उसका डिफरेंस है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि
कौन सी सीजन में कौन से क्रॉप्स लगाते हैं उसके एग्जाम्पल भी हमें याद रखने हैं। आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इन इंडिया देर हैज़ बीन अ 4 टाइम्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम 1952 to 2010 विथ ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेटेड लैंड एरिया। तो यहाँ पे जो कल्टिवेटेड एरिया है वो 25% ही इंक्रीज हुआ है, हमें तो और आगे ले जाना है। ठीक है, तो हम कैसे ले जाएंगे? इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन फार्मिंग वी कैन डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। तो जो वो 3 स्टेजेस है वो क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्रॉप्स वेराइटी इम्प्रूवमेंट्स, फिर है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, और थर्ड वन है क्रॉप प्रोटीन मैनेजमेंट। अगर हम यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो अगर ये थ्री स्टेप्स है वो हमें फॉलो करने चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो प्रोसेस है वो हम अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या करना, हमें ऐसे चॉइस लेने हैं जिसके सीड से वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर हमें उसकी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि कौन से अच्छे वाले हैं, कौन से ग्रो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, और जो थर्ड लास्ट स्टेज में है तो हमें उसका प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, कि अगर वो उसमें कहीं सारे क्रॉप्स है वो लॉस हो जाते हैं तो उसका क्या करना है। तो ये सभी जो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है तो उसके लिए ये 3 स्टेप्स है, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अगर हम 3 स्टेज को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम काफ़ी कुछ इंक्रीज है वो कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही लेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट लेक्चर है, हमने इंट्रोडक्शन और सिर्फ एक ही पॉइंट लिया है। आप फिर से देख लीजिए, यहाँ जो रबी क्रॉप है और खरीफ क्रॉप है वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, वो डिफरेंस आप कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।